Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And as you know, we are talking about string methods in Python programming. So आज जो हमारा session है, that is part number 5 of string methods. तो इसमें basically मैं दो छोटे-छोटे functions आपको बताने जा रहा हूँ. So आज जो हम deal करने जा रहे हैं, that is basically join methods और center method क्या है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं. इसके पहले ऑलरेडी मैंने काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, स्ट्रिंग मेथड्स के उनके पर्पस भी बताए हैं और आने वाले सेशंस में अब उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे. और आप मेरे चैनल में पाइथन एग्जांपल के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके भी सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं वन बाई वन, और आने वाले फ्यूचर में और उसमें मैं ऐड करते चले जाऊंगा. सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग मेथड, तो सबसे पहला मेथड जो है दैट इज योर ज्वाइन मेथड. तो बेसिकली एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम स्ट्रिंग को जैसे ज्वाइन की अगर हम बात करें, तो बेसिकली एज इट नेम इम्प्लाइज, इट इज बेसिकली यूज फॉर ज्वाइनिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनटू सिंगल स्ट्रिंग, दैट इज देयर बेसिकली. बट ज्यादा बेटर ये होगा कि मल्टीपल स्ट्रिंग की जगह हमको बोलना चाहिए कि जो भी मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिक्वेंस के, जस्ट लाइक कोई लिस्ट है उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, उन सारे स्ट्रिंग्स को हम उनको कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सो दैट टाइम वी कैन यूज व्हाट ज्वाइन फंक्शन और ज्वाइन मेथड. लाइक अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो देयर आर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट कंकैटिनेशन. सो ज्वाइन इज बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन जो होता है वो डिफरेंट थिंग होता है, जिसमें तो आप सिंपली प्लस ऑपरेटर को यूज करके भी कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं. लेकिन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ज्वाइन, सो इट इज बेसिकली मीन्स कन्वर्ट, यू कैन से a list into what you can say single string. That is what the basic purpose of join function. Remember this always. So अब बात आ रही है कि कन्वर्जन कैसे करें, तो वो जल्दी से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो मैं अपने पाइथन शेल पे आ जाता हूँ. लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे कोई एक लिस्ट रेडी की हुई है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज डाली हुई है, जैसे मैंने 12 डाला. बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि इट मस्ट बी स्ट्रिंग, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस 1223 इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट, क्योंकि स्ट्रिंग को ही ये कन्वर्ट करेगा सिंगल में. अगर इंटीजर वगैरह होगा तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यू विल गेट एरर. सो अभी जैसे मैंने ये 23 लिया, लेट सपोज एक और ले लेते हैं, हमने लिया 56, राइट. अब अगर आप इसको प्रेस करें एंटर, एंड अब मैं चाहता हूं अगर मैं एक्स को डिस्प्ले करूंगा, इट इज शोइंग सिंपल लिस्ट. बट अगर मैं ये इनको सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो देर इज ए फंक्शन कॉल्ड ज्वाइन. So, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन को यूज करता हूँ, लेट सपोज कि मैंने बोला कि एक स्ट्रिंग बना दो एस नाम से, और इस एस के अंदर में जो है मुझे ज्वाइन फंक्शन यूज करना है. बट रिमेम्बर ऑलवेज, जब हम ज्वाइन फंक्शन को यूज करते हैं तो ये 1223 और 56 के बीच में अगर आपको कोई स्पेस देना है या कॉमा देना है या कुछ सेपरेटर आपको चाहिए, तो वो हम पहले लेते हैं. बिकॉज मुझे कोई भी स्पेस नहीं देना है, सो दैट मैं यहाँ पे बिना स्पेस के सिंगल कोटेशन मार्क यूज करूंगा, देन आई विल प्रेस दिस डॉट, एंड उसके बाद में मैं ज्वाइन फंक्शन यूज करता हूँ. और ज्वाइन के अंदर जाके मैंने बोला भाई एक्स मीन्स जो लिस्ट है उसे मैंने एक्सप्लेन कर ले लिया. नाउ प्रेस एंटर, नाउ यू विल सी कि इट इज रनिंग प्रॉपरली. अब अगर आप एस को यूज करते हैं डिस्प्ले करेंगे, तो यू आर गेटिंग व्हाट 1 2 2 3 5 6 इन ए सिंगल स्ट्रिंग फॉर्मेट, राइट. और ये हुई एक बात, अगर मैं इसी स्ट्रिंग को अगर ऐसा कुछ कर दूं कि मुझे स्पेस के साथ में स्ट्रिंग को सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्जन चाहिए, सो आई विल टेक स्पेस, देन व्हाट दिस अगेन, then press dot, then again take this join and use this x, right, press x, sorry. now अगर आप s को डिस्प्ले करेंगे तो इट इज शोइंग दस, अभी ये कॉन्कैटिनेशन हुई है, rather saying concatenation, it's better to say join हुआ है. तो ये जो मल्टीपल एलिमेंट्स जो इसके ज्वाइन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पेस. सो आप यहाँ पे स्पेस जो मैंने लिया इसकी जगह एट द रेट ले लो, या कॉमा ले लो, डैश ले लो, या आप अंडर स्कोर ले लो, जो आप चाहना चाहते हैं वो लेके अपना वर्कआउट कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज ज्वाइन ऑपरेटर. एंड इसके बाद में हम बात करते हैं सेंटर की. द पर्पज ऑफ सेंटर इज व्हाट, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटर, कि कोई भी स्ट्रिंग होता है उसके दोनों साइड पे, आइदर साइड्स पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर एड करना है साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, तो इट एड्स व्हाट एनी यू कैन से कैरेक्टर, ठीक है ना, टू यू कैन से आइदर साइड ऑफ यू कैन से स्ट्रिंग. तो फॉर दैट वी कैन यूज व्हाट सेंटर मेथड. सो सेंटर मेथड का पर्पज आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपको, लेट सपोज मैंने ऑलरेडी यहां पे एक स्ट्रिंग लिया हुआ है एस, ठीक है. अब इसके लेफ्ट साइड में भी मुझे क्या चाहिए,
एक एट द रेट का सिंबल चाहिए और राइट साइड में भी मुझे एट द रेट का सिंबल चाहिए. सो व्हाट विल आई डू, जैसे मैंने बोला स्ट्रिंग डॉट, अब मैंने बोला भाई सेंटर ले लो. नाउ ये जो सेंटर मेथड है इसमें हमको पहले बताना पड़ेगा कि इसकी टोटल लेंथ कितनी. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसकी टोटल लेंथ आ रही है. प्लस इसके दोनों साइड में हमको एट द रेट चाहिए, सो दैट आई विल यूज 8 प्लस 2 स्पेसेस, मतलब टोटल 10 इसकी लेंथ है. तो आई एम टेकिंग दिस 10 कॉमा, मैंने बोला कि दोनों साइड एट द रेट चाहिए, तो जो भी सिंबल हमें ऐड करना है उसे हमने ले लिया. प्रेस एंटर. नाउ इट इज, यू कैन सी यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट. दूसरे तरीके से हम चाहें तो एस डॉट, यू कैन से सेंटर यूज कीजिए. अब यहाँ पे आके मैंने बोला कि अगर मुझे लेंथ, अभी तो मैंने मैनुअली काउंट की थी, दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस एस एंड प्लस इसके साथ मैंने ऐड कर दिया लेट सपोज 4 स्पेसेस कॉमा. इस दफा मैंने बोला कि आप ऐड कर दो इसके सामने डैश डैश, ठीक है. सो मैंने ये ले लिया. अब प्रेस एंटर. नाउ यू सी देयर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक. नाउ व्हाट इज दिस, एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि हमने जो लिया है एस डॉट सेंटर, हमको कैरेक्टर तो एक ही लेना है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम डैश को ले लिया. तो मैं इसको सिंगल करता हूँ. सो मैं आई एम टेकिंग दिस लेंथ देन एस एंड इसके बाद में मैंने प्लस 4 कर दिया देन कॉमा देन दिस टाइम ओनली आई एम टेकिंग दिस ओनली 1 डैश. क्लोज दिस ब्रैकेट, क्लोज. नाउ यू कैन सी इट इज रनिंग प्रॉपरली. द 2 डैशेस ओवर हियर एंड 2 डैशेस ओवर हियर. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज व्हाट सेंटर. तो सेंटर इज बेसिकली मीन्स, जैसे मैंने बोला कि इफ यू वॉन्ट टू एड एनी स्पेशल कैरेक्टर और एनी कैरेक्टर और एनी थिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रिंग, तो दैट वी कैन यूज सेंटर मेथड. एंड जब आप सेंटर मेथड यूज करते हैं, वी हैव टू डिफाइन द साइज, सो दैट कि हम पहले लेंथ ले लेते हैं प्लस उसके अदर साइड में कितने चाहिए. 1 चाहिए तो प्लस 2 करेंगे, 2 चाहिए तो दोनों साइड पे, तो 4 हो जाएगा, इधर 6 कर देंगे. इस तरह से आप ले सकते हैं, जिस कैरेक्टर को ऐड करना उसको यूज करके हम वर्कआउट कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट जॉइन एंड सेंटर फंक्शंस दैट यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट इन योर प्रोग्राम. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.